अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन महमूद एंड वेलकम टू ज़ायंस। इस कोर्स में हम HTML और CSS के साथ वेबसाइट्स का फ्रंट एंड बनाना सीखेंगे। जो मेन टॉपिक्स हम इस कोर्स में कवर करेंगे उनमें होगा HTML, CSS, रिस्पॉन्सिव डिजाइन और बेसिक जावास्क्रिप्ट। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इस करंट वीडियो में मैं आपको HTML, CSS और JavaScript का बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये तीनों क्या हैं और ये किस तरह मिलके एक वेबसाइट का पेज बनाती हैं। जो चीज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, बेसिकली मैं आपको HTML और CSS का इंट्रोडक्शन दूंगा, साथ में JavaScript का भी, और ये सब मिलकर किस तरह एक वेबसाइट का जो पेज है उसको किस तरह बना। तो उसके लिए हम गूगल क्रोम में आ जाएंगे और कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ पे udemy.com कर लेता हूँ। बेसिकली जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है वो HTML से बनता है, जो वेबसाइट में जो स्टाइलिंग वगैरह होती है वो CSS से होती है, जो एक्शंस होते हैं कि आप किसी बटन पे क्लिक करें तो कोई एक्शन परफॉर्म हो वो JavaScript हैंडल करती है। तो तीन चीजें हो गई, जो स्ट्रक्चर था वो HTML के साथ, जो स्टाइलिंग वो CSS के साथ, और लास्टली फंक्शनैलिटी JavaScript के साथ। तो इस वेबसाइट में आपको इन तीनों चीजों को दिखाने के लिए मैंने ये एक एक्सटेंशन की हुई है। इस एक्सटेंशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेब डेवलपर। इसको यूज करते हुए मैं बेसिकली वन बाय वन फंक्शनैलिटी को डिसेबल करता जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि जो रिमेनिंग पार्ट है उससे क्या चीज बनती है। तो सबसे पहले मैं इसमें जावास्क्रिप्ट को और CSS को डिसेबल कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इन दोनों चीजों को डिसेबल किया है तो ये सिर्फ और सिर्फ HTML बच गई है। तो आप देख सकते हैं कि HTML से इसका जो स्ट्रक्चर है, जो भी यहाँ पे लिखना था, जो इमेज आ गई, साथ में जितना भी टेक्स्ट आना था, आइकॉन्स जो आने थे, जो भी इसका पूरा स्ट्रक्चर था वो सारा HTML के साथ है। अब मैं सिर्फ CSS को अनेबल करूंगा। जैसे ही मैंने CSS को अनेबल किया और मैं इसको एक दफा रिफ्रेश कर लूंगा, क्योंकि JavaScript को जब आपने इस एक्सटेंशन के थ्रू डिसेबल करना है तो आपको एक दफा पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा ताकि जब पेज रिफ्रेश हो तो वो JavaScript लोड ना हो। अभी करंटली JavaScript लोड हो चुकी है और वो काम कर रही है। तो मैं इसको एक दफा रिफ्रेश करूंगा इस एक्सटेंशन में इसको डिसेबल करने के बाद। तो अब आप देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट इस पेज पे लोड नहीं हुई और कोई भी जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंट नहीं है। तो करंटली इस पेज पे सिर्फ दो चीजें हैं, HTML जो कि स्ट्रक्चर है जिससे कि इमेजेस वगैरह टेक्स्ट वो सारा कुछ है, और CSS जो कि स्टाइलिंग है, जो कि बता रही है कि अच्छा इस टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो किस तरह होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर कैसे आना चाहिए, वो सारी स्टाइलिंग। तो इन दो के साथ आप देख सकते हैं कि जो वेबसाइट है उसकी लुक इस तरह आ रही है। तो मेनली हम इस कोर्स में इन दो चीजों को सीखेंगे, बेसिक जावास्क्रिप्ट भी हम सीखेंगे, लेकिन जावास्क्रिप्ट के लिए इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद नेक्स्ट एक कोर्स होगा जो कि प्रॉपर जावास्क्रिप्ट के ऊपर, हम जावास्क्रिप्ट के साथ डॉम मैनिपुलेशन और फर्दर जो भी उसके कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सारे डिटेल में सीखेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं आपको कोई टाइप चीज करके, जैसे कि HTML टाइप करता हूँ, और इवन कि अगर मैं एंटर भी करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज लोड नहीं हो रही। तो फंक्शनैलिटी जितनी भी है वो जावास्क्रिप्ट संभाल रही है। तो अब मैं इस एक्सटेंशन पे फिर क्लिक करूंगा और डिसेबल जावास्क्रिप्ट को अनचेक कर दूंगा। इसके बाद मुझे इस वेबसाइट को दोबारा रिफ्रेश करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट को जब आपने अनेबल या डिसेबल करना है तो आपको पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा ताकि जावास्क्रिप्ट प्रॉपरली लोड हो सके या फिर डिसेबल हो सके। तो मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा कंट्रोल प्लस आर के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एलिमेंट जावास्क्रिप्ट के साथ इंसर्ट हुआ है और ये बाकी सारे एलिमेंट्स भी शो और हाइड जावास्क्रिप्ट के साथ हुए हैं, जो हमारे पास बेसिक चीज आई थी। यहाँ पे अगर मैं इस टैब को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को डिसेबल करके इस पेज को, सिर्फ इस टैब को रिफ्रेश करता हूं तो आप देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट इस पेज पे जो एलिमेंट्स इंसर्ट कर रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है, वो ये टॉप बार है, जो ये टॉप नोटिफिकेशन पैनल है, और ये बटन्स, ये सारे जावास्क्रिप्ट के साथ कंट्रोल्ड हो रहे हैं। बाकी जो चीजें हैं वो HTML और CSS। यहाँ पे मैं एक और टैब को डुप्लीकेट इसी टैब को कर लेता हूँ, जावास्क्रिप्ट क्योंकि पहले डिसेबल थी इस टैब पे, CSS भी डिसेबल कर देते हैं। तो HTML से हमें ये मिलेगा स्ट्रक्चर सारा, CSS से हमें उसकी लुक वगैरह फाइनलाइज होगी, और जावास्क्रिप्ट फिर उसमें फंक्शनैलिटी करेगी। लास्टली मैं जो चीज बता रहा था वो ये थी कि मैं यहाँ पे जब HTML लिख के सर्च कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा क्योंकि इस टैब में जावास्क्रिप्ट डिसेबल है। मैं इस टैब में आता हूँ
और यहाँ पे अगर एच टी एम से अब लिखता हूं तो आप देख सकते हैं कि एक तो ये एलिमेंट विजिबल हो गया है और यहाँ पे ये सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं अगर कहीं पे कुछ क्लिक करूंगा तो सारी फंक्शनैलिटी चली गई। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था एच टी एम एल सी एस एस और जावास्क्रिप्ट का कि ये तीनों मिलके एक कंप्लीट वेब पेज बनाते हैं जो कि आप अपने वेब ब्राउजर्स पे देखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने कोर्स के रोड मैप की कि इस कोर्स में हम क्या रोड मैप फॉलो करेंगे और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह एच टी एम एल से स्टार्ट करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.